बहुत बहुत स्वागत आपका आईपीएल में आरसीबी के साथ इस वक्त है। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नहीं, बैटिंग तो हर कोई करता था कि भैया बैटिंग नहीं चाहिए तो वरना तो होना ही नहीं है, तो लेकिन मेरा ये था कि बस ठीक है, चलो एंजॉय हो रहा ही हो रहा है। आपके बॉलिंग कोच आशीष नेहरा, बॉलिंग कोच में कैसे वो बॉलिंग कोच ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आते हैं या फिर वैसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं? पूरे ऐसे छोटे भाई की तरह, और कोच मतलब ऐसा लगता नहीं, वो जो अपने उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने इतने साल क्रिकेट को दिए हैं और अपने टाइम के अच्छे बॉलर हैं, तो जो उनका एक्सपीरियंस था मैचों में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसी सिचुएशन में कैसे बॉल डालनी है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। मैं हूं अब्दुल नबी हसन और आज भी मैं इस एक ग्राउंड में हूं, और इस ग्राउंड में आने का मकसद एक ऐसे सितारे से आपको मिलवाना है जो इस वक्त चमकने के लिए बरकरार है, चमकने के लिए बेताब है। इनफैक्ट टीम इंडिया को याद कीजिए, आप टीम इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर्स को याद कीजिए। लेफ्ट आर्म पेसर्स में किस किस का नाम आपके पास जहन में आएगा? जहीर खान। जहीर खान क्या शानदार गेंदबाजी का नज़ारा दिखाते थे। जहीर खान, इरफान पठान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह, ये वो गेंदबाज लेफ्ट आर्म थे जिनका जेन्युइन इनके पास पेस था, बाउंस था, और टीम इंडिया के लिए बेहतरीन इन्होंने खेल दिखाया है। कई विकेट्स हासिल किए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा देखने को मिला, बेहतरीन स्पेल्स इन्होंने फेंके हैं, और उसकी बलबूते टीम इंडिया कई बार जीत भी टीम इंडिया को हासिल हुई है। ये लेफ्ट आर्म पेसर्स का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक और उभरता हुआ सितारा लेफ्ट आर्म पेसर टीम इंडिया में जाने को बेताब है और बस ये सोच रहा है कि जल्द से जल्द टीम इंडिया की जर्सी उसके बदन पर पहने और टीम इंडिया की कैप वो लगाए और टीम इंडिया में सिलेक्शन हो। हम बात कुलवंत की कर रहे हैं। कुलवंत खजूरिया हैं, खजूरिया हैं, क्या हैं अब मैं जानना चाहता हूं। कुलवंत बहुत बहुत स्वागत आपका, आईपीएल में आरसीबी के साथ इस वक्त हैं। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा था, क्या है नाम आपका एक्चुअल में? देखो भैया, मेरा नाम कुलवंत खजूरिया है। खजूरिया, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरा सरनेम है वो खजूरिया है। तो अब मुझे भी नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, लेकिन कुलवंत खजूरिया मुंबई इंडियंस के साथ इन्होंने डेब्यू किया 2017 में, फिर उसके बाद 2018 में आरसीबी के साथ जुड़े, 2019 में भी आरसीबी के साथ जुड़े। लेकिन इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इंस्पायरिंग कहानी क्या होती है, इंस्पायरिंग स्टोरी क्या होती है कुलवंत की होती है। कुलवंत, राजस्थान के झुंझुनू से आप हैं और बहुत छोटा सा गाँव है? नहीं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, उसमें एक छोटा सा गाँव है चूड़ी अजीतगढ़। चूड़ी अजीतगढ़ गाँव से हैं आप, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान से दिल्ली तक कुलवंत क्या है, किस तरह का सफ़र ये रहा पहले सबसे? देखो, अगर मैं मेरे 3-4 साल पहले की मेरी कहानी में याद करूँ तो मैं कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो उस टाइम मैंने बीकॉम कर ली थी, तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरा ये था कि मैं या तो आर्मी में ज्वाइन करूँ या फिर मैं इंडिया के लिए मतलब क्रिकेट खेलूं। तो क्रिकेट में कोई स्कोप नहीं था, ना कोई वहाँ फैसिलिटी थी छोटे से गांव में और डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे ये था कि मैं वहाँ तो क्योंकि कोई बोलने वाला भी नहीं था, ना कोई कहने गाइड करने वाला, गाइड करने वाला। फिर मेरे ये था कि मैं आर्मी में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग वगैरह और बच्चों के मेरे दोस्तों के साथ रनिंग वगैरह फिटनेस वगैरह और हाइट भी माशाल्लाह सही थी, और कॉलेज में मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, तो मेरा पूरा यही था कि मैं आर्मी में ही जाऊँ। तो फिर जब मैं 23 का हो चुका था, फिर उसके बाद मैं क्रिकेट तो मैं कंटिन्यू खेल रहा था, टेनिस बॉल से गांव में जैसे खेलते तो जो आसपास के गांव है, तो मैं उस बॉल से मैं अच्छा ही खेलता था। अच्छा। तो मेरे को बुलाने आते थे, घर पे आते थे। फिर मेरे पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट। अच्छा। कि भाई ये सब टाइम खराब करना है, तू इसमें टाइम खराब कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, पढ़ाई कर, कुछ अच्छी गवर्नमेंट जॉब में कर, तो हमारा भी भला हो, तेरा भी भला हो, तेरा भी, क्योंकि मेरे पापा कुछ कर नहीं पाए थे पढ़ाई, तो उनको हर कोई चाहता कि मेरा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, एक सेटल हो जाए, वही चाहते थे आपके पिता भी? हाँ, तो क्योंकि मेरे पिताजी वो पढ़ाई कर नहीं पाए थे, तो उनको भी था कि अगर ये भी मेरे जैसा रह गया तो उनको भी चिंता सताने लग गई। तो फिर मेरे ये था कि और कोई ऑप्शन है नहीं। फिर जब मैं 23-24 का हुआ तब वो ऑप्शन मेरे लिए ख़त्म हो गया कि मैं आर्मी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि 23 तक ही वहाँ आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी मेरी कंटिन्यू कॉलेज वगैरह और कंपटीशन एग्ज़ाम भी मैंने रेलवे, एसएससी, आर्मी, पुलिस वगैरह सब की एग्ज़ाम भी मैंने दिए। आप प्रिपरेशन बहुत कर रहे थे, मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च की है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने एग्ज़ाम्स भी दिए, बट वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर आपको लगा कि एज अब बहुत हो गई है, एज निकल रही है, अब कुछ ना कुछ करना होगा। वो भी था ना कि जैसे
पेरेंट्स का या फिर सबका ये रहता है कि बच्चे को अगर छोटे से 12 साल का या 14 साल को एकेडमी में डालें तो फिर वो कुछ कर सकता है। लेकिन मैं जब खेलता था गांव में या फिर बाहर भी मैं कहीं जाता था तो मेरे सब लोग तारीफ करते थे कि तू अच्छा है, तू कोई एकेडमी ज्वाइन कर। पहले से ही टेनिस बॉल से भी पेस फेंकते थे? हाँ, लेफ्ट आर्म। हाँ, लेफ्ट आर्म। और मैं बैटिंग भी करता था साथ। अच्छा। तो नहीं, बैटिंग तो हर कोई करता था कि भैया बैटिंग नहीं चाहिए तो वरना तो होना ही नहीं है। तो लेकिन मेरा ये था कि बस ठीक है, चलो एंजॉय हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं समझ लग गया कि हाँ मैं ठीक, मैं जैसे मैं जयपुर जाता था, मेरे भाई वहाँ एग्जाम की तैयारी करता था तो उसके पास जैसे 5-10 दिन गया तो मैं वहाँ पे पार्क में और आसपास एकेडमी में जाता था तो मैं ऐसे एंजॉय के लिए बॉल डालने चला जाता था। तो वहाँ जो कोच और वो देखते थे कि यार तू कहाँ से ऐसे पूछते थे, लेकिन मैं उनको बता नहीं सकता था कि मैं खेल नहीं सकता, घर वाले अलाउ नहीं करते और ना उनके पास इतना है कि वो मेरे को सपोर्ट करे। तो फिर मैं आके वापस आ जाता था, फिर मैं वापस मेरा वही रूटीन था कि कोई टूर्नामेंट अगर टेनिस का है तो वो खेल लिया, बाकी एग्जाम दे ली। और अच्छा, बचपन की बात याद करें टेनिस बॉल से, क्या वहाँ आपके साथ भी ऐसा ही होता था कि जिसका बैट है जिसकी बॉल है वो बल्लेबाजी जरूर करेगा, ऐसा होता था? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन मेरा यह था कि जैसे अगर एक दिन में मैं कुछ खेलता नहीं था ना क्रिकेट, तो मेरे रहता था मैंने आज कुछ किया नहीं। अच्छा। तो कहीं भी मैं पूरे गांव में मतलब हर मोहल्ले की अलग अलग टीम होती थी तो मैं कहीं भी पहुंच जाता था तो मेरे को खिलाते नहीं थे या फिर खिलाते तो दोनों साइड लेते थे। अच्छा। कि ये हमारे साइड भी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, आपकी साइड भी करेगा। लेकिन मैं मेरे ये जब तक जिस दिन मैं नहीं खेलता था मेरे ये रहता था मैंने आज कुछ किया ही नहीं। तो मैं चाहे दोपहर हो या शाम हो, खाना जरूरी है आपके लिए, खेलना जरूरी था कि आज तो कुछ कोई नहीं खेला नहीं। मैं जाता जाता था खेलने। अच्छा, खेलने जाते थे तभी शायद आज इतने मुकाम हासिल किए आपने। इंशाल्लाह आगे और भी मुकाम हासिल करें, हम चाहें टीम इंडिया में भी आपका जल्द से जल्द सलेक्शन हो। लेकिन शुरुआत का दौर था, घर वाले आपका अलाउ नहीं करते थे और आप जिस तरह से कहा बैक भी इतना नहीं था, फिर दिल्ली कैसे आना हो गया एकदम से आपका? दिल्ली क्या होगी, जैसे मेरी उम्र हो गई थी, मेरे से बड़ा मेरा भाई है एक और उससे बड़ी मेरी बहन थी, तो मेरी बहन की शादी थी तो फिर ये था कि अब शादी हुई तो पापा खेती करते थे, दुकान थी तो अब शादी भी करनी ज़रूरी थी, तो थोड़ा एक प्रेशर आ गया था कि भैया तेरे को भी कुछ करना पड़ेगा खेल से या फिर एग्ज़ाम में तो कर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ मतलब पढ़ाई भी और मैं उसके साथ रहता था तो उसके बचपन की यारी। हाँ, तो उनका उनके होटल थे गोवा में। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे को भी गोवा जाना है तो मैं घूम भी लूँगा और अगर कोई काम वाम मिल तो बोल तो ठीक है। वो उसने बोला कि कोई बात नहीं, पापा से बात करता हूँ तो तू चल ले। तो फिर मैं घर पे मैंने बताया कि मैं गोवा जा रहा हूँ, वहाँ होटल में है ये। तो घर वाले पहले तो माने नहीं कि तू इतना पढ़ा है होटल में काम करेगा क्या ये, लेकिन मेरे था मैंने कहा नहीं मैं काम तो देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, इस बहाने घूम के भी आ जाऊँगा। तो फिर 4-5 दिन बाद माने, फिर मैंने दोस्त को बोला, फिर उसने टिकट वगैरह करी, फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ पे जो अंकल थे उनका ये था कि वो जैसे मालिक वो थे लेकिन उनके अंदर वो नहीं था कि वो मालिक हो तो मैं बैठा हूँ, अगर क्राउड ज़्यादा है कुछ है तो वो खुद खड़े होके हाँ पूरा अगर प्लेट वगैरह उठाना ऑर्डर लेना। तो आपने वहाँ पर होटल में वेटर का भी जॉब किया? मैंने वहाँ फिर मैं, तो मेरे को ये बोला कि बेटा अगर पैसे कमाने हैं तो कोई शर्म शंका कुछ नहीं है, अगर क्योंकि बोला कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं 1-2 दिन तो उनको समझा कैसे क्या क्या कहा है, फिर मैंने भी वहाँ करा। तो फिर 20-25 दिन में वहाँ रहा था। तो फिर मेरे को ये रहता था कि यार कि मैं इतने मैंने पढ़ाई करी, इतनी मैंने तैयारियाँ करी और ये कर रहा हूँ, तो मैं खुद से बात करता था मैं। और जो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड थे वो सब गवर्नमेंट जॉब में, कोई रेलवे में कोई पुलिस में लग गए थे, तो खाली उनके बैच का जो मैं था मैं ही एक दो रह गए थे। तो मेरे था यार वो भी सब सेट हो गए। तो फिर मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल मैं 1-2 एग्ज़ाम और दे के आता हूँ मैं। फिर मैं वहाँ से मैं वापस घर आ गया था। फिर घर वालों ने मतलब गोवा से फिर आप राजस्थान आ गए? हाँ, फिर मैं घर आ गया था। फिर घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ठीक है कोई नहीं। फिर एक मेरा दोस्त था एक और जो क्रिकेट खेलता था तो वो इससे ऐसे मतलब प्रोफेशनली खेलता था वो। अच्छा। तो वो भी मेरे को काफ़ी टाइम, उसने भी मेरे को 3-4 बार बोल दिया था कि तू आ जा मैं तेरे लिए मैं देखता हूँ मैं कर लूँगा मेरे साथ रह लेना। तो लेकिन अब वही था कि घर से बाहर कैसे निकले, कि उनको क्या बोल के जाऊँ। एक बार मैं वहाँ जाके आ चुका था गोवा। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ऐसे तो नहीं। तो उसका घर पे आना जाना था तो घर वाले उसको भी जानते थे, लेकिन उनको ये था कि ये क्रिकेट खेलता तो इसके साथ ये खराब हो रहा है। तो उनको वो भी था, वो घर वाले कहते थे संगति गलत है इसकी कि ये आता है ये मैच के लिए आता है ऐसे मतलब। तो फिर
मैंने अब मेरी मम्मी को कहा पापा तुम आनेंगे नहीं, तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उसका जो भाई था वो अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का काम था। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि मैं ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ, वहाँ कंप्यूटर पे काम है कि वहाँ पे बिल वगैरह और ये बनाने, तो वहाँ पे अच्छी सैलरी देंगे, वहीं रहना है उनके घर पे, वहीं खाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी तू आ गया, तेरे अब मेरे जो ताऊ जी थे वो जयपुर रहते थे, तो बोले तेरे वहाँ ताऊ जी के पास या उनके लड़के के पास वहाँ तेरे को सेट करेंगे, तो घर में तेरा ध्यान तो रखेंगे मेरे। लेकिन मेरे ये था कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं बन जाऊँगा, मैं ना इधर उधर जा पाऊँगा ना खेल खेल नहीं पाऊँगा। पाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहीं उसके पास जाके एक बार देख के आता हूँ। फिर मैंने 5-10 दिन घर में, मतलब वो माने नहीं घर वाले मम्मी पापा, फिर मैंने मम्मी को कैसे मनवाया, किसको, मम्मी को मनाया था या पापा फिर को? मैंने मम्मी को बोला कि मैंने कहा कि एक बार मैं जाके आता हूँ, अच्छा काम है ये वो। तो फिर लेकिन ये झूठ था वैसे। हाँ वो झूठ था। फिर हाँ उन्होंने पापा को मनाया करा, तो फिर बोले ठीक है एक बार और चला जा, अगर वहाँ अच्छा सेट ना हो तो वापस घर आ जाना, वहाँ ज़बरदस्ती मत रहना। फिर मैं जिस दिन घर से निकला, तो जब उन्होंने कहा तो मैं 1-2 दिन से, मतलब मैंने पैकिंग जो भी कपड़े थे लिए, फिर मैंने इस हिसाब से प्लान ऐसा करा कि इतने बजे की बस है, इतने बजे वहाँ पहुँचेगी, पूरी इतने बजे की टिकट वगैरह। प्लानिंग कर रखी थी। तो उनको ये था कि हाँ ये सही में वो है। तो फिर मैं वहाँ से जब निकला तो मेरे ये था कि मैं अगर ये सब इनको छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कुछ करूँ लाइफ में, ये नहीं कि मैं 1-2 महीने इन्जॉय करके या दिल्ली देख के वापस आ जाऊँ। तो मैं पूरे बस में 6-7 घंटे का सफ़र था, मैंने पूरा मैं सोचता सोचता आया कि मैं, क्योंकि दिल्ली में कोई मेरा कोई नाम नहीं था, कोई बहुत दिल्ली में कितने पब्लिक है बिल्कुल कितने। बिल्कुल। तो फिर मैंने पूरे बस में ये सोचा कि मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं आज से ही मैं मेरे उस काम पे लग तारीख जाऊँ, याद है क्योंकि आपको? तारीख मेरे याद है, मैं आया था 27 दिसंबर, क्रिसमस के बाद आया था मैं, क्रिसमस शायद अच्छा 25 दिसंबर को कुछ हाँ ऐसे, उसके बाद मैं आया था अच्छा, कौन सत्ताईस सा या साल अट्ठाईस था? 2015। 2015, मतलब 27 दिसंबर 2015 आपने दिल्ली में कदम रख लिया। हाँ फिर मेरे था कि आज से मैं लग जाऊँ, क्योंकि मैं पहुँचा था 8-9 बजे तक मैं पहुँचा था। तो अब मैं घर से जब निकला तो मैं 2-3 बजे निकला था, तो उनके हिसाब से मैं 17-18 घंटे लगते हैं अहमदाबाद के, तो मैं रात को 2-3 बजे पहुँचा हूँ। तो मैं फिर मैंने सुबह उठते पहले उनको फ़ोन किया कि मैं पहुँच गया हूँ, फिर उनको लगा। फिर मैं दूसरे दिन सुबह पार्क, जैपनीज़ पार्क में रोहिणी रिठाला, उधर रोहिणी सेक्टर में मेरे दोस्त रहते थे, वो अच्छा जो दोस्त था सुनील नाम था हाँ उसका, तो वो भी जो हरियाणा के 2-3 लड़के थे जो हरियाणा से खेलते हैं, अंडर 16-19 थे, तो वो भी उनके साथ ही रहता था फ्लैट में। तो उनसे भी पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं तो हमारे साथ रह और हम तेरा खाना रहना, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मतलब भगवान जो भी कर रहा है मान लो, क्या पता कुछ अच्छा हो। ठीक है। हाँ तो फिर मैं दूसरे दिन से, मैं जैपनीज पार्क था पास में, तो वहाँ पार्क में फिटनेस वगैरह करी और पूरी मतलब तैयारी में लग गया था मैं। उसी दिन फिर से, अगले दिन हाँ से ही अगले दिन से हाँ फिर दूसरे, फिर मेरा ये था कि खाना और डाइट वगैरह का वो ध्यान रखना जरूरी था। वो तो नहीं हो पा रही इसकी होगी। खबर फिर मेरे को ये था कि मैं घर से तो पैसे अब ले नहीं सकता, कि उनको तो ये था कि कमाने गया तो जॉब खुद का करने खर्चा है तो निकाल लेगा। तो मेरे एक मौसी का लड़का था जितेंद्र नाम है उनका, तो उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं यहाँ आ खेलना, गया हूँ, दिल्ली आ खेल गया हूँ। क्रिकेट खेलना है। और तो जब मैं तैयारी करता था एग्ज़ाम की तब भी मैं उनके साथ ही रहता था जयपुर में, अच्छा अच्छा तब भी वो मुझे, उनको उनको भी पता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियों में मौसी के घर जाता था तो मैं वहाँ भी मैं वहाँ खेलता खेलते रहा, रहते थे। तो वो मेरे को साथ लेके जाते। तो उनको ये था कि खेल अच्छा खेलता, अच्छा लेकिन खेलता, उनको ये था कि लेकिन ये, करियर नहीं सुना हाँ हुआ उनको उन्होंने ये था कि क्योंकि बहुत हाँ कंपटीशन है कि कहाँ हाँ पे ये है, प्रोफेशनली नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भी उस टाइम क्रिकेट का माहौल थोड़ा ऐसा ही था कि थोड़ी वो आपस में वहाँ पे रहती है आरसीए चीज़ें। में वहाँ पे हाँ चल रही थी। हाँ तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी बात है, मैं बस दिल्ली आप आ मेरे रहा को हूँ। 2-3 हज़ार रुपये महीने के डाइट के, मैं खाने पीने के मेरे को देते रहो। फिर मैं उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। फिर धीरे धीरे दिन, फिर संजय सर से कैसे फिर मुलाकात मैं हो? सोनेट क्लब का ही पता था कि सोनेट क्लब बड़ा क्लब है, हाँ तो अब मेरे था कि अगर मैं उसके अंदर उसके पास वहाँ जाऊँ तो मैं अच्छी तैयारी करके जाऊँ, कि मैं उनको ये लगे कि हाँ ये लड़के में दम है, क्योंकि मैं 24 का मैं हो चुका था। आपने सुना होगा सोनेट से बहुत सारे हाँ खिलाड़ी वहाँ निकले से, हैं। हाँ ऋषभ पंत है और आशीष नेहरा, ये जितने भी, तो मेरे था कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो उनको ये लगे कि हाँ इन दम है बंदे उनको। बंदे में दम है, लड़के में दम है, इसको रखा तो जाए। मैं पहले उदयवान क्रिकेट क्लब था यहाँ पे पीतमपुरा में, तो मेरे था कि पहले मैं वहाँ जाऊँ, वो जो मेरे दोस्त थे वो वहीं पे जाते थे, तो उन्होंने बोला आप तुम मेरे साथ चलो। तो मैं फिर उनके साथ मैं वहाँ गया, तो उन्होंने भी मेरे को देखा कि कोच ने कि भाई हाँ अच्छा लड़का है, तो उन्होंने भी बोला कि तू खेल लेगा, उन्होंने मतलब पॉजिटिव बात ही बताई कि तू खेल लेगा तेरे अंदर वो है।
तो उस टाइम में जब आया तो मैं सेव वगैरह करके, मेरे को बी एड वगैरह कुछ नहीं थी, मैं अंडर 19, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अंडर 19 या 23 खेलूँगा, थोड़ी उम्र छोटी करा लूँगा क्योंकि हाँ वो दोस्तों ने भी ऐसे बोला कि तू थोड़ा तो, लेकिन फिर मेरे ये था कि मैंने कहा नहीं नहीं अगर खेलना होगा तो मैं इसी उम्र से खेलूँगा, छोटी नहीं करूँगा मैं। फिर मैं 20-25 दिन वहाँ गया तो फिर मेरे पास जूते, वो मैं उनके जूते पहनता था, तो फिर मेरे पास जूते नहीं थे, स्पाइक्स नहीं थे, तो फिर मैं सोनेट क्लब में वहाँ गया ट्रायल देने गया। तो सुबह मैं गया था 7-8 बजे, तो शाम को 3-4 बजे तक मैं ट्रायल में वहीं था। तो वहाँ भी मैंने अंडर 19 बताया कि मैं अंडर 19 ही हूँ, तो लेकिन उन्होंने फिर मैं जैसे ट्रायल ली तो मैंने वहाँ पे सबसे अलग ही दिखा मैं कि भाई ये सोनेट की बात कर रहे हैं। हाँ सोनेट की। तो फिर वहाँ पे एक तो वो था कि वो 2 दिन लगती थी सैटरडे संडे, और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं महीने में 4-5 दिन ही खाली अकेडमी में जाऊँ, मेरे पास टाइम भी कम था कि मेरे को 1 साल में या फिर 1.5 साल में सब कुछ करना था। फिर उसके बाद मैं सोचता रहता था, और वो जो मेरे दोस्त थे वो भी घर चले जाते थे, वो 2-4 दिन 5 दिन से आते थे, तो मेरे ये रहता था मैं अकेला थोड़े का, अगर पॉजिटिव कोई लड़का या साथ दोस्त हो तो वो रहता है या तू कर सकता है ये वो, तो वो मेरे को ऐसी बातें करते थे कि तू कर लेगा तू खेल लेगा, लेकिन मेरे ये था कि मैं राजस्थान से खेलूँ, यहाँ से तो कहाँ से नंबर आया, क्योंकि उस टाइम सारे बॉलर ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, प्रदीप सांगवान, नवदीप सैनी, अवाना और सब अच्छे से बॉलर थे, तो मेरे ये था कि यहाँ से तो नंबर मुश्किल है, तो मैं ये था कि लेकिन प्रैक्टिस यहाँ करके मैं राजस्थान से ट्रायल लूँ। लेकिन फिर मैं जब मैं राजस्थान में वहाँ गया डिस्ट्रिक्ट के, हाँ तो फिर उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि यहाँ तेरी ट्रायल नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और है, ट्रायल वहाँ राजस्थान में नहीं हुई लेकिन आपने दिल्ली में प्रैक्टिस की, यहाँ पर संजय भरद्वाज सर मिले आपको, आपके पास शूज़ नहीं थे, तो संजय भरद्वाज सर ने, क्योंकि अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो उनसे ये भी जिक्र हुआ था कि उन्होंने शूज़ दिए थे आपको, और फिर उसके बाद आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनसे। हाँ तो मैं क्या हुआ कि फिर मैं जब सोनेट गया, मेरे पास ट्रायल मैंने दे दी थी, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, लेकिन वहाँ पर फीस भी ज़्यादा थी और मेरे पास टाइम भी कम था। फिर उसके बाद मैं जब वापस मैं रूम पे आया तो मैं 2-4 दिन ये सोचता रहा कि यार अब क्या करूँ, मतलब वापस घर जाऊँ या फिर यहीं पे तैयारी करूँ, तो मतलब दोनों वो चल रहा था, लेकिन मैं खुद से था कि नहीं नहीं तू कर सकता है, क्योंकि मैं उस टाइम मोटिवेशनल मूवी भी देखता था, सबकी स्टोरियाँ सुनता था कि जो कुछ बड़ा, जो भी कोई बड़ा बनते हैं तो वो स्ट्रगल करके बनते हैं, तो मेरे था कि कोई नहीं अभी तू 2-3 महीने हुए हैं तो तू अभी इतनी जल्दी हिम्मत हार रहा है। फिर मैं यहाँ पे गौतम भैया के बारे में सुना कि एल बी शास्त्री क्लब में गौतम गंभीर को अगर तू पसंद आ गया तो तेरे को वो खिला देंगे, कि क्योंकि नवदीप सैनी और एक दो पवन सोयाल, इनको उन्होंने सीधा खिलाया था कि वो नेट्स में बॉल डालने गए थे, और आपने भी नेट्स में डाली है बॉल। फिर हाँ फिर मैं यहाँ पे जब आया तो जो मेरे दोस्त थे वो भी पहले आके जा चुके थे, तो सर ने बोला कि बड़े बच्चों को हम नहीं लेते, हम छोटे बच्चों का ट्रायल लेते हैं। तो फिर मैं जब आया तो सचिन भैया थे तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, उस दिन सर आए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं बड़े बच्चों का हम नहीं लेते। फिर मैं वापस जाने लगा तो अब वो तो भगवान का बस है कि उन्होंने वापस मेरे को बुला लिया। अच्छा तो बोला कि रुकना एक बार क्या करते, मैंने कहा लेफ्ट आर्म मीडियम पे सर, बोले ठीक है चेंज करो वार्म अप करके बॉल डालो। फिर मैंने जैसे बॉल डाली तो जितने बॉल डाल रहे थे सब मतलब ऐसे रखे कि ये क्या डाला है, बॉल है कैसे डाला, तो मेरे पास जूते नहीं थे, स्पाइक्स नहीं थे, वो पुराने जूते थे मेरे पास, वो अभी भी मैं अपने पास आते रखता हूँ। अच्छा आज भी आपके पास? हाँ मेरे किट बैग में रहते हैं वो। तो फिर मैं दूसरे, फिर भैया ने सर को फ़ोन किया कि एक लड़का आया, अच्छा ये, सर ने बोला ठीक है मैं कल आता हूँ। फिर दूसरे दिन सर जब आए, फिर सर के सामने मैंने बॉल डाली तो सर ने देखा कि भाई हाँ अच्छी मतलब लड़के में दम है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा जूते देखे, वो जूते नहीं है, मैंने कहा नहीं सर जूते नहीं है। फिर मैंने उनको बात बताई कि मैं घर से झूठ बोल के आया हूँ, तो फिर सर ने बोला कि कोई नहीं, फिर कोई लड़का था हॉस्टल था वहाँ पे अशोक विहार में, तो उसको बोला कि तेरे जूते देना स्पाइक्स, फिर मेरे को स्पाइक्स दिए, तो फिर मैंने और थोड़ी और ज़्यादा तेज बॉल डाली। और लेकिन ऐसा माना जाता है जो अब आप नॉर्मल शूज से डाल रहे हैं बॉलिंग और जब स्पाइक पहनते हैं तो अलग ही हो जाता है, थोड़ा सा लगा बॉडी भी आपके कंट्रोल में रहती है और इंजरी के भी चांस कम रहते हैं, तो इसलिए स्पाइक्स तो बहुत ही जरूरी है, स्पाइक ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, ये आपकी कहानी थी कि आप किस तरह से आप संजय भरद्वाज सर के पास आए और वहाँ से आपको आगे मौके मिला। आप इंडिया ए खेले हैं और उसके बाद 2017 में आपने डेब्यू किया आईपीएल में? नहीं नहीं, मैं जब मुंबई इंडियंस में था तब मेरा डेब्यू नहीं हुआ था। हाँ जब मैं बेंगलोर में आया तब मैंने पहला मैच खेला, लेकिन मुंबई इंडियंस में आप थे। हाँ।
मुंबई इंडियंस के साथ आप थे, तो आईपीएल का हिस्सा तो रहे हैं आप मुंबई इंडियंस में भी। वो भी मेरा क्या हुआ कि जैसे मैं फिर दूसरे दिन गौतम भैया आए थे, तो सर ने मेरे को जूते दिए स्पाइक्स, तो बोले इनको बॉल डालनी है गौतम। तो मेरे ये था कि मैं इनको टीवी पे देखता था, आज मैं उनको बॉल डालूंगा, और एक ये भी था माइंड में कि अगर इनको मैं पसंद आ गया तो क्या पता। अच्छा, ये जिक्र आप जब फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे थे, दिल्ली से खेले हैं आप, तब गौतम एक आई थिंक आपका हरियाणा के साथ मैच हो रहा था और तकरीबन 177 रन थे, 3 विकेट गिरे थे। गौतम ने आपको बोला था कि ये ले बॉल, अब तुझे फेंकनी हो और इस वक्त विकेट निकालना है, और आपने विकेट निकाला था, हैट्रिक ली थी, आई थिंक हैट्रिक ली थी। वो वाला जरा बताइए क्या था वैसे। वो ये था कि हमारे वो क्वार्टर फाइनल मैच था और बड़ा मैच था, और उससे पहले मेरे लीग मैचों में मेरे थोड़ी सी एल्बो में इंजरी थी, तो मैंने 3-4 मैच मैंने मिस कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने 2 मैच खेले थे और उनमें मैंने अच्छी की थी। फिर जो मैच था, तो एक तो लाइव मैच था, सब देख रहे थे, और मेरे पे भी प्रेशर था कि टीम को जिताना है मेरे नवदीप सैनी पे। तो यह था कि अब जब उनका वो स्कोर था, वो मतलब अच्छी स्कोर के जा रहा था, तो फिर गौतम भैया को ये था कि सैनी पे मेरे पे था, तो गौतम भैया ने बोला कि ये जो ओवर है, 1-2 ओवर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है, तो तू प्रेशर बना और अच्छी बॉल डाल। तो मेरे था कि हाँ, फिर मैंने बोला, फिर मेरे उस टाइम मेरे रिदम भी अच्छा चल रहा था और सब कुछ था, तो फिर जैसे पहला विकेट गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरे विकेट में और खुद को कॉन्फिडेंस मिला। हैट्रिक लेकर कैसा लग रहा था? पहली हैट्रिक थी आई थिंक वो आपकी, है पहली हैट्रिक, क्या महसूस हो रहा था अंदर से, मैंने अच्छा कर दिया, अब कैसा लग रहा था, क्योंकि भरोसा जीत लिया मैंने अपने कैप्टन का। वो भी यार, एक अगर आप इतने बड़े मैच में हैट्रिक लेते हो, टीम के लिए अच्छा करते हो, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और वो मोमेंट भी ऐसा ही था कि टीम को ज़रूरत भी थी और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ऐसे मैच में, क्वालिफाई मैच में अच्छी बॉल। आपके बॉलिंग कोच आशीष नर है, बॉलिंग कोच में कैसे वो बॉलिंग कोच ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं या फिर वैसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं? पूरे ऐसे छोटे भाई की तरह, और कोच मतलब ऐसे लगता नहीं, वो जो अपने उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने इतने साल क्रिकेट को दिए हैं और अपने टाइम के अच्छे बॉलर हैं, तो जो उनका एक्सपीरियंस था मैचों में, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसी सिचुएशन में कैसे बॉल डालनी है, कैसे सामने वाले बैट्समैन को रीड करना है, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने हमें मतलब अच्छे से बताया, जो हम युवा, क्योंकि मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी है, मैं हूँ, उमेश यादव है, तो हम सब यंगस्टर थे, तो हमें उन्होंने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने आईपीएल के मैच खेले, जो इंडिया के लिए खेले, जो सिचुएशन उनके सामने आई, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो आपको तो ज़्यादा फायदा हुआ होगा। हाँ, फायदा हुआ मुझे, क्योंकि मैं बॉल नेट्स में बॉल डालता था, तो वो मेरे को बताते थे कि कैसे एंगल से बोल रहे हैं। एक्शन को लेकर भी कहा है उन्होंने या फिर रनअप को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा। छोटी मोटी जो स्किल होती है और जो मैच में जो आईपीएल वहाँ पे जो प्रेशर होता है, वो हैंडल कैसे करना है, कैसे क्या प्रेशर होता है, कैसा देखिए, क्योंकि आईपीएल के हर कोई देखता है और हम लोग जानते हैं वहाँ पर क्राउड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्राउड का भी प्रेशर होता है और हर मैच का तो अलग, हर क्योंकि प्रेशर होता ही, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो एक प्रेशर रहता ही है। डोमेस्टिक में बस थोड़ा सा क्राउड अगर ज़्यादा होगा तो मज़ा भी आएगा मैच खेलने में, मज़ा भी आता है, प्रेशर में मज़ा आता है खेलने में, वैसे अगर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता होगा, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी का भी पता चलता है कि आप में कितनी प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता है, आप कैसे अगर सिचुएशन आ गई तो आप कैसे उसको कर रहे हो। कुछ ड्रेसिंग रूम का कुछ माहौल बताइए, कुछ आरसीबी का, आरसीबी की अगर बात की जाए या फिर मुंबई इंडियंस, दोनों के ड्रेसिंग रूम में क्या अंतर था? नहीं नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जितने ऊंचे लेवल प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, और जो जूनियर प्लेयर है उनको साथ लेके रहते हैं, अगर आप उनसे कुछ चीज़ पूछोगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे। जैसे मैंने चहल की बात की, चहल भी बड़े फुर्तीले या फिर खुराफाती कह लें, मजाकिया कह लें, बड़े मजाकिया हैं, और एबी भी बड़े मजाकिया हैं, और तमाम जो आरसीबी के प्लेयर्स हैं मजाकिया बड़े हैं, और नेहरा जी का तो क्या ही कहना। तो ऐसे में क्या मजाक होता था जब आप एक 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 स्पॉट से दूसरी तरफ जा रहे हैं बसेस में? वो तो है ही, क्योंकि वो जैसे हम वहाँ हैं तो एक तो पहले हम थोड़े डरे रहते हैं कि यार सीनियर प्लेयर है, अपन कुछ हम कुछ बोल ना दे, और एक वो मतलब हमें ऐसा लगने नहीं देते थे कि हम मतलब ऐसे अब डोमेस्टिक से खेल के या फिर ऐसे करके, वो ऐसे माहौल ऐसे रखते थे कि हम एकदम, हमें टाइम का पता भी नहीं चलता था। अच्छा,
मतलब सीनियर जूनियर नहीं है, अपना चल रहा है, बातचीत चलती है। अगर आप उनसे अगर कोई चीज़ पूछोगे कि मेरे में मुझे ये बताना, तो वो अपना पूरा टाइम लेके आपको पूरी बात अच्छे से बताते हैं, पूरी चीज़ समझाते हैं। अच्छा, और ये ड्रेसिंग रूम में बाहर। चलिए, आईपीएल का जिक्र हो गया, अब कुलवंत अब क्या सोच रहे हैं? क्योंकि टीम इंडिया की अगर बात की जाए, एक वक्त था लेफ्ट आर्म पेसर्स की भरमार हुआ करती थी टीम इंडिया में, अब लेफ्ट आर्म पेसर्स दिख नहीं रहे। खलील है एक हमारे पास, अभी वो भी इन है, कभी आउट हो जाते, लेकिन कुलवंत अब क्या सोच रहे हैं? टीम इंडिया कब, जो ए लिखा हुआ था आपने टीम इंडिया ए के लिए खेला है, ए लिखा था, ए कब हटवा रहे हैं, कब हटेगा, क्या सोच रहे हैं? मेरी पूरी जो मैं कर रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ, वो पूरी मेरी, अभी तो मेरा जो डोमेस्टिक सीज़न है रणजी ट्रॉफी, इस पर पूरा फोकस है। क्योंकि ये जो यहाँ से जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीज़न में मैं अपनी टीम को, दिल्ली को, दिल्ली के लिए मैं अच्छा करता हूँ, तो मेरा भी अच्छा होगा ही होगा। और अभी मैं आगे की इतना सोच नहीं रहा, क्योंकि एक तो मेरे को फिट रहना है पूरे। फिटनेस को लेकर क्या करते हैं? फिटनेस को लेकर बस वही है कि आपको डेली अगर डेज में चल रहे, रणजी ट्रॉफी चल रही, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप दिन में 20 ओवर या 15 ओवर डाल सको। क्योंकि एक मैच में आप 30 से 40 ओवर डाल। क्योंकि आज की तारीख में टीम इंडिया में जितने भी खिलाड़ी हैं सब फिट है। अगर आप में थोड़ी सी भी आप इंजरी हो गई या फिर किसी भी तरीके से हल्के से अनफिट हैं, तो आप बाहर हैं। आज की तारीख में टीम इंडिया में जगह पाना बड़ी मुश्किल है, आप जानते हैं या नहीं? गेम कोई भी हो, क्रिकेट कोई भी, फिटनेस तो प्लेयर के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मेरा वही है कि फिटनेस, अभी जो ऑफ सीजन है अभी, तो इसमें फिटनेस करनी है और बॉलिंग सिंगल विकेट करना है। तो जैसे अभी सीजन एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इन चीज़ों के लिए टाइम मिलता नहीं है, ना फिटनेस के लिए इतना मिलता है और ना ऐसे बॉलिंग के लिए, क्योंकि कंटिन्यू मैच चलते रहते हैं। तो अभी ये है कि मैं जो मेरा ये सीज़न आएगा रणजी ट्रॉफी का, इसमें मैं वन डे, टी ट्वेंटी डेज, तीनों फॉर्मेट। इंडिया की कैप का क्या सोच रहे हो आप, कि इंडिया की कैप कब? हाँ, वो ये तो उसमें मैं अच्छा करूँ, और फिर उसके बाद अगर मैंने इनमें अच्छा किया, इस पर मेरा पूरा फोकस है, तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता, यानी कि फोकस है। अगर आप देख लो, अगर वहाँ भी अगर कोई पहुँचा है, तो वो उसने रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल डोमेस्टिक में अच्छा करना है आपने, उसके बाद जाएंगे। तो बस मेरा वही है कि मैं रणजी ट्रॉफी में अच्छा करूँ, फिर उसके बाद आईपीएल में मैं, तो लेकिन ये तभी हो सकता है मैं अगर फिट रहूँगा, अगर मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा और मेरे जो बेसिक हैं, जो भी मैं बॉलिंग वगैरह सिंगल विकेट है और प्रैक्टिस अच्छे से करूँगा, तो इतना चलिए उम्मीद करते हैं फिट रहिए आप, और जिस तरह से फिटनेस में काम कर रहे हैं अच्छे से करिए। रणजी का जो सीजन आने वाला है उसमें अच्छा कीजिए, और हम जल्द से जल्द आपको टीम इंडिया में देखें। लेफ्ट आर्म पेसर एक बेहतरीन जो भरता हुआ है वो टीम इंडिया के लिए खेलेगा। तो जहीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान, आरपी सिंह, उनकी तरह एक और हमें कुलवंत भी दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलवंत, अपना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल कुलवंत से आपको हमने मिलाया, और उम्मीद करते हैं कुलवंत आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए खेले। और जिस तरह से कुलवंत कह रहे हैं, पहले रणजी पर फोकस कर रहे हैं, डोमेस्टिक पे अच्छा करेंगे तो खुद ब खुद सेलेक्टर्स उनको सेलेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा है, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बने रहिए आप हमारे।